नाश्ता करने के बाद वाघना घाट से हम लोग निकल पड़े हैं शिमला के लिए, और ये हमारी टीम हो गई तैयार, और आई टीम हमारी जा रही है, आगे वाली टीम जा रही है, देखो दो गाड़ी आगे लगी हुई रास्ते में, और ये जा रहे हम टूवर्ड शिमला, और आज इसका हम देखेंगे शिमला का मजा। हमने शिमला में एंट्री कर ली है, और जैसे ही आपको पता ही है कि जैसे टूरिस्ट प्लेस आता है तो सारा जो रास्ता है वो जाम से भर जाता है। इस टाइम देखो मौसम देखिए कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ से, जाम में फंसे हुए शिमला में, और ये शिमला की लोकल गाड़ियाँ चल रही हैं, और मौसम यहाँ का आज बहुत ही प्यारा होगा, बहुत सुहाना है, आपको दिख रहा होगा आसमान कितना अच्छा लग रहा है। हाँ खड़े हम ये यहाँ पर शिमला का रेलवे स्टेशन दिल्ली के जस्ट नीचे है, शिमला का रेलवे स्टेशन, कालका शिमला एक्सप्रेस चलती है। और शिमला में एंट्री के साथ ही हम घुस गए हैं टनल के अंदर, देखिए टनल टनल है यहाँ पे, और दोनों तरफ से गाड़ी चल रही है, और आवाज़ भी बहुत तेज़ गूंज रही है इसमें, बहुत ही तेज़ गूंज रही है, हमको थोड़ा सा डर भी लग रहा है इसमें। आगे देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है, एक जाम ऊपर होटल है उसके ऊपर, जो जंगल है जंगल ऊपर घना काला आसमान, आपको जंगल के अंदर दिख रहा होगा ये हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, वो जाखू मंदिर है वहाँ पे, और वो जो पहाड़ी है उसको जाखू पहाड़ी बोला जाता है, और वहाँ पे जो है विराजमान है हमारे बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति, और बहुत बड़ा भव्य मंदिर, दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं और यहाँ देखते हैं, देखिए आप देख रहे होंगे एकदम जंगल के अंदर स्थित है ये, और इस शिमला की पार्किंग में, इस शिमला की पार्किंग में हम लोगों ने अपनी कार पार्क कर दी है, और जा रहे हैं आगे की पार्किंग का अपर फ्लोर में लगा हुआ है हिमाचल टूरिज्म का, ये स्टॉल्स एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, यू कैन परचेज एंड एंजॉय इट, क्योंकि कॉटन कैंडी पार्टी, सारे लोग तीन पार्टी खा रही हैं, देखो ये देखो मैं थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ, ये सारा निकल गया सारा, थोड़ा सा ओके थैंक यू मैम, ले जाओ शिमला माल रोड के लिए लिफ्ट के लिए हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे लिफ्ट पर चढ़ने की देखो लाइन लगी हुई है, और फिर यहाँ से निकलेंगे हम ऊपर माल रोड हो चुकी है, मॉल रोड दिख रहा है, मॉल रोड घूम रहे हैं, ये शिमला का फेमस मॉल रोड, एवरीथिंग इज वेरी क्लीन नीट एंड ब्यूटीफुल, ये हमारी टीम शिमला का बहुत ही ज़्यादा फेमस मॉल रोड, और यहाँ पे घूम रहे हैं टूरिस्ट, देखिए शिमला के मॉल रोड कोई खचाखच भरी है टूरिस्टों से, अरे दिस्ता ने खरीद दिया है अपने लिए चश्मा, देखिए अभी बहुत ही आनंद आ रहा है हमको इस शिमला में घूमने में, मॉल रोड में एक अलग ही आनंद का अनुभव प्राप्त हो रहा है, हमारी टीम से हमसे आगे गई है उनको ढूंढते जल्दी से, अरे कुछ लगता है हम जिससे चश्मा खरीदे तो लोग आगे निकल गए, टूरिस्टों के लिए शिमला की पूरी मॉल रोड खुल गई है पूरे, देखो कितने अच्छे शॉप्स खुल गई हैं, सारी शोरूम खुल गए हैं, और लोग टहल कदमी से चल रहे हैं इस मॉल रोड का आनंद लेने के लिए, हमारे साथ ही गैंग भी आ रही है लगातार हमारे पीछे पीछे, हाँ बहुत ही सुंदर पेंटिंग, और ये हेरिटेज बिल्डिंग देखिए मॉल रोड की शोर में, और चार चांद लगा रही है हेरिटेज बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हेरिटेज है, कितनी अच्छी लग रही है, काफी पुरानी अंग्रेज जमाने की बिल्डिंग है, अरे मौसा जी के साथ हैं, मैं मौसा जी घूम रहे हैं, अच्छा ये तो वो बनाता है, हाँ जी हाँ जी, असली जो टूरिस्ट प्लेस है जहाँ के लोग यहाँ आते हैं, ये जगह है, देखिए पहुँच गया टॉप पे, पहुँच गए हम शिमला के टॉप प्लेस में, जहाँ के देख के मुझे आज भी ये गाना आता है कि वो थ्री गाना था, बहती हवा सा था वो यार हमारा था वो कहाँ गया उसे ढूंढो, तो यही वो जगह थी जहाँ पे हम यार हमारा ढूंढो हमारा रनचोजा झांझा मिला करता था, और ये वो जगह थी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली हिमालय के साथ, ये हिमाचल प्रदेश हिमालय की तलहटी में और पहाड़ों की चोटी में बसा हुआ, और पीछे आप देख रहे हो देखिए एक ऑरेंज कलर की मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति जाखू टेम्पल जंगल के बीच,
बीचों बीच इतना विशाल मूर्ति है कि ऐसी दिखाई जा रही है। और ये यहाँ का घंटाघर भी इनका प्लान बनाया है ऊपर जाखू मंदिर जाने के लिए। हम लोग यहाँ से रवाना हो गए हैं और ये जो हम लोग अभी खड़े हैं शिमला के टॉप प्लेस जो यहाँ की रिच गली कहलाई जाती है और यहाँ के टूरिस्ट बार बार घूमते रहते हैं यहाँ पर खड़े हैं। और सामने हमारा घंटा का घंटा के पीछे जो है आपका हनुमान जी की मूर्ति दिखी जाखू मंदिर की और वहाँ हम जाएंगे अभी कुछ बाई फुट कुछ बाई कार और कुछ बाई ट्रोले ये बंदर है। तो अभी हमें यहाँ से पता चला कि यहाँ पे जो कल मोदी जी का प्रोग्राम है यहाँ पे देखो टेंट लग रहा है मोदी जी के लिए रोड बन गई है और सिक्योरिटी सर्विस भी है। और हम ये देखो ये चर्च और घंटाघर एक साथ बहुत ही सुंदर लोकेशन शिमला की। लंच के लिए पहुँच गए हम ब्लू स्टेट शिमला में और हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। ये देखो ये छुटकी पहुँच गई है और हम लोग ये एंट्री हो गई इस होटल के अंदर। आज का हमारा लंच इस होटल में होटल के अंदर हमारी एंट्री और यहाँ पे जो हाइजीन चेयर और ये शिमला का मजा देखिए ये दो टावर बियर और साथ में हमारी सोशेबल धुन गर्ल इनको भी बिल्कुल फॉलो कीजिएगा होटल की बहुत ही बढ़िया। और अभी आपने देखा था जो हमने बियर का टावर दिखाया था और ये वो जो है यहाँ पे बियर बनती है बियर ली देखो देखो हमारी गल गल गई है रूम गल यहाँ बनती है। ये हम बैठे हैं इस होटल के डाइनिंग रूम में और ये पीछे हमारा ब्रूरी यहाँ बनती है बियर यहाँ की होममेड बियर्स और लोग बड़ा एंजॉय करते हैं बियर। ये देखो ये हमारी गर्ल डांस कर रही है यहाँ पर तो बहुत अच्छा मजा आता था यार। और गाइस कभी आएगा तो ब्रूरी जरूर आएगा और इसका ब्रूम मजा मजा देगा। ओके थैंक यू मच।